ये है पेट्रॉन टेंजेंट बीट नेक बैंड और इस वीडियो में इसका फुल रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि आखिर ये नेक बैंड कैसा है, क्या आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि गाइस पिछले 7 दिनों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूं तो मुझे अच्छे तरीके से पता हो चुका है कि इसका बैटरी बैकअप कितना है, चार्जिंग टाइम कितना है और यहाँ पर इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, तो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका गिवअवे भी करने वाला हूँ, तो अगर आपको जीतना है इस नेक बैंड को तो इस गिवअवे में ज़रूर हिस्सा लीजिए। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको इस गिवअवे को जीतने के लिए क्या करना होगा, लेकिन सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको कुछ इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। सबसे पहले ये है इस नेक बैंड का बॉक्स जो कि ऊपर के साइड में पेट्रॉन का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर टेंजेंट बीट है। पीछे के साइड में आप इसका फुल स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। 10mm का ड्राइवर यूज किया गया है, 120mAh का बैटरी है इसमें, 1.5 आवर्स में ये फुल चार्ज हो जाता है और चार्ज करने के बाद 7 से 8 घंटे तक आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कलर्स अलग अलग तरीके का है जो कि जो चाहिए आप मंगा सकते हैं, जिस कलर में चाहिए आप मंगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज जो लगा मुझे वो है प्राइस 2499 रुपीज जो कि बिल्कुल बकवास है। लेकिन गाइस इसका स्पेसिफिकेशन पर मत जाना, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर है हमारे पास ये नेक बैंड। तो सबसे पहले इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो गाइस बिल्ड क्वालिटी में कहीं पर भी हमें कमी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रबर से बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रबर यूज़ किया गया है और पहनने में भी अपने गर्दन में लटकाने में भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है। वेट के बारे में बात करें तो वेट बहुत ही कम है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने गले में कुछ लटकाया है। यहाँ पर ये रबर है और ये है प्लास्टिक गाइस, जो भी बटन्स है वो सभी कुछ प्लास्टिक आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मेटल, जहाँ पर आपको मैग्नेट भी देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैग्नेट देखने को मिलता है लेकिन इतना ही दूर आपको मेटल देखने को मिलेगा और ये सब कुछ प्लास्टिक है। एयर टिप्स के बारे में बात करें तो 4 और बॉक्स में है। अगर आपके कान में अच्छे तरीके से फिट नहीं होता है तो 4 और ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपका कान का होल बड़ा या छोटा हो। नहीं तो गाइस यहाँ पर ये जो वायर है, ये वायर का क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा। काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी पतला है और टूटने का डर लगता है, लेकिन खींचने से टूटता नहीं है। 1-2 महीने यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये कितना मजबूत है। तो ये तो रहा गाइस बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी में किसी भी तरह का कमी हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर मेटल रबर प्लास्टिक से बना हुआ एक नेक बैंड है। उसके बाद गाइस बात करते हैं इसके बटन्स के बारे में। तो यहाँ पर 3 बटन आपको देखने को मिलता है, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस। यहाँ पर आपको बीच में पावर बटन भी देखने को मिलता है जिसको अगर आप दबा कर रखेंगे तो यहाँ पर बंद हो जाएगा, यानी कि स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। उस तरह से गाइस यहाँ पर हमें मिल जाता है एक माइक्रो USB का पोर्ट जहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो यही कुछ है, यहाँ से वॉल्यूम ज़्यादा कम कर सकते हैं, यहां से आप बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। अगर सॉन्ग्स को चेंज करना है तो आप इसे दबा कर रखिए या फिर इसे दबा कर रखिए, इधर उधर हो जाएगा और इसमें किसी भी तरह का दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलता है गाइस। काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम करता है, कनेक्टिविटी में काफ़ी मस्त है क्योंकि ब्लूटूथ 5.0 का है तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। इसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। तो साउंड क्वालिटी में भी मुझे किसी तरह का कमी देखने को नहीं मिला है। जो एक नेक बैंड में सब कुछ होना चाहिए वो सब कुछ है इसमें, लेकिन ज़्यादा आपको अगर बेस चाहिए तो इसमें वो ज़्यादा बेस देखने को नहीं मिलता है। जो धम धम मारता है ना वो इसमें ज्यादा नहीं है गाइस। तो अगर धम धम वाला चाहिए तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पर बिना वायरलेस यानी कि वायर्ड वाला एयरफोन यूज कीजिए, क्योंकि उसमें ज्यादा धम धम गन गन रहता है। और कोशिश कीजिए कि आपका 12mm का ड्राइवर हो, लेकिन ये 10mm का है। तो काफी अच्छा यहां पर साउंड क्वालिटी है इसका, ज्यादा बेस नहीं है और साउंड में किसी भी तरह का दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफी मस्त लगा मुझे, सब चीज अच्छा है साउंड क्वालिटी में, एक एवरेज है। तो इस प्राइस में इस तरह का साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है गाइस, आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में, चार्जिंग टाइम के बारे में। तो जी हाँ गाइस, 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटा आपको लग जाता है इसको चार्ज करने में। 1.5 घंटा से अंदर में ये फुल चार्ज हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपका चार्जर कैसा है, ख़राब है या अच्छा है। तो 1.5 घंटे के अंदर में ये चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आप इसे यूज़ करना शुरू करेंगे तो टोटल मुझे लग गया था लगातार 6 घंटा। जी हाँ गाइस, 6 आवर्स कंटिन्यू मैं इसमें फुल वॉल्यूम में सॉन्ग्स को प्ले करके छोड़ दिया था और सो गया था। सुबह जब उठ के देखा
तो यहाँ पर ये अभी भी चल रहा है, लेकिन टाइम जो था वो 5.5 घंटा हो चुका था। तो यहाँ पर 6 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कमाल है। यहाँ पर फुल वॉल्यूम में 6 आवर्स का बैटरी बैकअप, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है गाइस। तो आप इसे ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ दूंगा जहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। अगर इस गिवअवे में हिस्सा लेना है तो आगे का वीडियो आप देखिए। थैंक यू। सो गाइस, इस गिवअवे को जीतने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे एक कमेंट कर दीजिए। उसके बाद इस वीडियो का जो टारगेट है वो है 500 लाइक। जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएगा, इसका रिजल्ट मैं दे दूंगा कि आखिर ये कौन जीत रहा है। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाए। क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला नेक बैंड मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, मैं दूसरा आपका एड्रेस पर ऑर्डर कर दूंगा, या फिर आप जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी इसका टारगेट आप पूरा कीजिए, क्योंकि दूसरा यहाँ पर गिव अवे आने वाला है। थैंक यू।